लोकसभा में पास हुआ तीनों कृषि कानून वापसी का बिल। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया। सभा की कार्रवाई। संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत। नए सांसदों के शपथ लेने के साथ लोकसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने की नारेबाजी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सभी तो दो टूक कहा, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार। संसद में सवाल होने चाहिए लेकिन शांति भी रहे। गरिमा इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, संसद में देश हित के लिए हो चर्चाएं, देश की प्रगति के लिए रास्ता खोलें, सकारात्मक निर्णय वाला बने सत्र। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। कोरोना संक्रमण पर बोलते हुए पीएम ने कहा, 150 करोड़ वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है देश। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट से सतर्क रहने की दी सलाह। कहा, आपका उत्तम स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। देहरादून के परेड ग्राउंड का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया औचक निरीक्षण। पीएम के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। उत्तराखंड को 4000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में सरगना सहित 29 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी एसटीएफ ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर क्रैक किया गैंग का नेटवर्क। सभी आरोपियों पर रासुका लगाने की तैयारी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8309 नए मामले रिपोर्ट। 236 मरीजों की मौत। 9905 रिकवरी दर्ज की गई। एक्टिव मामले घटकर 103,859 जो कि पिछले 544 दिनों में सबसे कम है। दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव। अभी तक उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं। अलर्ट जारी कर पॉजिटिव मिले शख्स को आइसोलेशन में भेज दिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट के बीच महाराष्ट्र में चौंकाने वाला मामला। ठाणे के वृद्धाश्रम में 55 बुजुर्ग कोरोना संक्रमित। सभी बुजुर्गों को लग चुकी थी कोरोना की दोनों वैक्सीन। 7 और लोग भी कोरोना का शिकार। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया, ओमिक्रॉन वेरिएंट में उसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा हुए बदलाव। इससे वैक्सीन की प्रभावशीलता हो सकती है कम। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन हो सकती है बेअसर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत में बड़ी टेंशन। केंद्र सरकार ने जारी की नई एसओपी। जोखिम भरे 12 देशों की लिस्ट भी की गई जारी। संदिग्ध यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोकने की तैयारी। सीएम धामी आज शाम 5 बजे बढ़ते कोविड मामलों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। दिल्ली में फिर से सभी क्लासेस के लिए स्कूल खुले। वर्क फ्रॉम होम भी हुआ खत्म। राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण बंद कर दिए गए थे स्कूल। कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी खोले गए। सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सुबह सुबह जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों की समस्या को लेकर कहा, सरकारी सिस्टम को धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये उनका अधिकार नहीं। हरीश रावत के निशाने पर राज्य सरकार, गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं करने पर साधा निशाना। कहा, सरकार को जल्द गन्ना मूल्य निर्धारित करना चाहिए। क्या बिगाड़ा है उसको भी तो अपने गन्ने को देख करके हिसाब किताब लगाने का अधिकार है। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर दिया बयान। कहा, सरकार गैरसैंड में विधानसभा सत्र नहीं कराना चाहती। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पिरान कलियर शरीफ दरगाह में लगाई हाजिरी। साबिर पाक दरगाह में की चादर पोशी। प्रदेश में अमन चैन के लिए मांगी दुआ। तमाम की परेशानी दूर फरमाइए।
बाराबंकी में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने भाजपा किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मंत्री ने खुद भी चलाया ट्रैक्टर, बोले सम्मान निधि ने बढ़ाया किसानों का मान। भाजपा किसान मोर्चा ने किसानों को साधने की कोशिशें की तेज, बस्ती में निकाले विशाल ट्रैक्टर रैली, किसानों के हित में लिए गए फैसलों की दी जानकारी। हरदोई के कछौना में बसपा युवा संवाद कार्यक्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा हुए शामिल, भाजपा को घेरते हुए कहा जनता का पैसा प्रचार में खर्च कर रही है सरकार। महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी ने बलरामपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित, विरोधियों पर जमकर बोला हमला, असदुद्दीन ओवैसी को भी आड़े हाथों लिया। आगरा में चंबल नहर की माइनर टूटने से किसानों की सरसों गेहूं की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न, नहर का पानी चारों तरफ किसानों के खेतों में भरा, पानी भरने से खेत तालाब बन गए। शाहजहांपुर में थाना जलालाबाद के पास कोलाघाट पुल का हिस्सा टूटा, 2007 में बसपा शासन के दौरान बना था कोलाघाट पुल, शाहजहांपुर से बदायूं को जोड़ता है ये पुल। आजमगढ़ में रात को सोते वक्त पति पत्नी की धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा, आसपास के लोगों से पूछताछ जारी। अमेठी में सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज की महिला सेवादार की हत्या, हथियारों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट, मौनी महाराज के मुताबिक बेशकीमती जमीन को लेकर हुई हत्या। लखनऊ के ठाकुरगंज में स्कॉर्पियो सवार 7 से 8 युवकों ने डिवाइडर पार कर रहे युवक को जमकर पीटा, मामूली कहासुनी पर युवक से की मारपीट, सोने की चेन भी छीन ली, गुंडई का सीसीटीवी आया सामने। मुरादाबाद में कोठीवाल डेंटल कॉलेज में हुआ हंगामा, मरीज का शव सौंपने के नाम पर मांगे 90,000 रुपए, पीड़ित पक्ष ने वीडियो बनाकर डीआईजी को किया टैग, पीड़ित परिजनों के ट्वीट समाचार हड़का। मेरठ में गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, 2 बच्चियों की आग में झुलसने से मौत, गैस सिलेंडर में रिसाव आग का कारण। कानपुर के जाजबाऊ में वाजिदपुर कुबा मस्जिद के सामने लगी आग, नमामि गंगे के सरकारी प्लास्टिक के दर्जनों पाइप जलकर हुए खाक, आग की चपेट में आए 2 बिजली के खंभे और हाई टेंशन तार। हरदोई के अरवल इलाके में स्टार्ट करते ही बाइक में लगी आग, दुकानदारों स्थानीय लोगों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक जलकर खाक हो चुकी थी बाइक। आजमगढ़ के मेहनगर कस्बे में भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान, स्थानीय लोगों और प्रशासन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, मकान को पहले ही करा लिया गया था खाली। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर लखनऊ में डीएम ने की एयरपोर्ट पर आपात बैठक, सभी यात्रियों की सघन स्क्रीनिंग के दिए निर्देश, विदेशों से डायरेक्ट आने वाले सभी फ्लाइट के पैसेंजर्स का कराया जाए आरटीपीसीआर टेस्ट। बड़कोट पुलिस और एसओजी टीम ने नेपाली मूल के शख्स से 1 किलो 900 ग्राम चरस की बरामद, केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार, यमुना घाटी में खूब फल फूल रहा है अवैध नशे का कारोबार। कानपुर में तेंदुए की रिहायशी इलाके में दहशत, तेंदुए की दहशत को देखते हुए 1 कॉलेज और 2 स्कूल किए गए बंद, स्कूल की बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करते देखा गया तेंदुआ। भारत चीन सीमा पर बसे मेरठ गांव में पिछले कई दिनों से चल रहा पांडव नृत्य हुआ खत्म, पांडव नृत्य को देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। लखनऊ में प्रदूषण बढ़ने से लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल, तालकटोरा में AQI 400 के ऊपर रिकॉर्ड हुआ तो अलीगंज में 343 और लालबाग में AQI 328 दर्ज किया गया। बेटी की शादी में जमकर थिरके भाजपा विधायक राधा मोहन दास, सोशल मीडिया पर विधायक के डांस का छाया वीडियो। गोरखपुर में एक ही परिवार के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी, जगह थाना क्षेत्र के जद्दूपुर की वारदात। आगरा के बमरौली कटारा में मकान मालिक ने युवक को चोर समझकर मारी गोली, गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
गोरखपुर में बदमाशों ने छात्र को बेरहमी से चाकू से गोद कर मार डाला। पीड़ित पिता ने बेटे की हत्या के बाद मकान के बाहर अपराधियों के खौफ से मकान को बेचने का पोस्टर चस्पा कर दिया। रुड़की में बेखौफ चोरों ने एटीएम को उखाड़ने का किया प्रयास। एटीएम पर नहीं था कोई सुरक्षा गार्ड। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिसंबर को देहरादून दौरा। देहरादून में होने वाली रैली में भाजपा ने 1,00,000 लोगों की भीड़ जुटाने का रखा लक्ष्य। पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी। 4 दिसंबर को पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर टिहरी जिले के भाजपा प्रभारी विनय गोयल ने पदाधिकारियों के लिए बैठक। टिहरी से कार्यकर्ताओं के देहरादून लाने ले जाने की व्यवस्था को लेकर की चर्चा। टिहरी से 10,000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे देहरादून। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस उठा रही सवाल। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस दौरे पर कसा तंज। मोदी जी आ रहे थे, अच्छी बात थी, 8 साल का हिसाब भी तो लेके आए। कितना इस प्रदेश को दिया, क्या इस प्रदेश को दिया, यहाँ के नौजवानों के लिए क्या किया। उत्तरकाशी में भाजपा के वरिष्ठ नेता सूरत नाम नौटियाल ने समर्थकों संग जनता से मांगा समर्थन। जनसंपर्क कर 2022 में भाजपा को बहुमत से जिताने के लिए जनता से किए वादे। काशीपुर में जनसंपर्क रैली के दौरान भाजपा के अंदर की गुटबाजी आई सामने। बलराज पासी की इस रैली में स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा, मेयर उषा चौधरी समेत भाजपा के स्थानीय नेता दूरी बनाते नजर आए। हरिद्वार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम धामी और भाजपा पर बोला हमला। कहा सिर्फ घोषणाएं करने से चुनाव में कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस की जीत का भी किया वादा। अजय कोठियाल ने जोशीवट में संबोधित कर कहा हमारी सरकार बनते ही हर घोषणा होगी पूरी, हम सब मिलकर करेंगे उत्तराखंड का नव निर्माण। चार धामों के तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि मंडल ने अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी से उनके मठ में की मुलाकात। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में मांगा उनका समर्थन। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कृषि कानून की तरह देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी सरकार को झुकना होगा। सदन में उपनेता करण मेहरा ने सैनिकों के बहाने भाजपा पर साधा निशाना। कहा देहरादून में जो सैनिक धाम बनाया गया था उसे भाजपा सरकार ने खुर्द-बुर्द कर दिया। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों का आंदोलन। बीते 3 दिनों से छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन में डेरा जमाए हुए हैं छात्र। कुलपति के समझाने के बाद भी नहीं माने छात्र। सीतापुर में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामूली बात को लेकर हुआ था झगड़ा। गाजीपुर में शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की संपत्ति पर एक्शन। सदर एसडीएम और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में करीब 4,80,00,000 की संपत्ति को किया गया कुर्क। फिरोजाबाद में एक ही परिवार की 2 महिलाओं ने जहर खाकर की खुदकुशी। 4 महीने पहले बुलंदशहर से 2 महिलाओं की शादी एक ही परिवार में हुई थी। सुल्तानपुर में पीसीएफ गोदाम के भंडार नायक ने की खुदकुशी। आरोप है कि गोदाम में विभागीय कर्मचारियों ने लाखों की खाद का किया था गबन। सारा आरोप भंडार नायक पर बनने की तैयारी में थे। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में सुस्ती। सेंसेक्स की शुरुआत 79 अंक की गिरावट के साथ 57,028 के लेवल पर हुई तो निफ्टी 29 अंकों की तेजी के साथ 17,055 अंकों पर खुला। सारा अली खान के नए नॉक टॉक वीडियो में नजर आए विकी कौशल। वीडियो में सारा विकी के साथ अतरंगी रे का कमिंग अप सॉन्ग चकाचक को प्रमोट करती दिख रही हैं। हाय चका 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 चक है तू, हाय चका 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 चक हूँ मैं। सॉन्ग आउट टुमारो। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो किया शेयर। इसमें वो झूला झूलते हुए रिलैक्स करती नजर आ रही हैं। ये बिपाशा के मालदीव ट्रिप का है थ्रोबैक वीडियो।